नमस्कार दोस्तों, ACNDC के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन के काम के अंदर आपको किन किन टूल्स की जरूरत होती है, साथ ही आप इसके साथ एक वॉशिंग मशीन, गीजर और जो भी इस टाइप के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन सारे की सर्विस के लिए आपको किन किन टूल्स की जरूरत होती है और कौन कौन सा टूल्स आपको खरीदना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन टूल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो टूल्स की जरूरत होती है वो होता है दोस्तों मल्टीमीटर। दोस्तों मल्टीमीटर की मदद से आप किसी भी रेफ्रिजरेटर को या एयर कंडीशनर को आप चेक करते हैं। दोस्तों ये कुछ इस तरह से क्लैंप मल्टीमीटर, यानी कि दोस्तों आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर क्लैंप मल्टीमीटर की खास तौर पे आपको जरूरत होती है। तो दोस्तों डिफरेंट टाइप के मल्टीमीटर मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इस मल्टीमीटर की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस मल्टीमीटर का किस तरह से आप उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस मल्टीमीटर को किस तरह से आप यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद आप नीचे टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ टूल्स। इन टूल्स के बारे में आप पहले से भी जानते ही होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप पहले भी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों ये है आपका स्क्रू ड्राइवर का सेट। अगर दोस्तों आप इस तरह के मल्टी स्क्रू ड्राइवर वाले बॉक्स को नहीं परचेज करना चाहते हैं, अगर आपके पास सिंगल सिंगल वाला भी है तो आप काम कर सकते हैं, तो आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद ये है छोटे साइज में स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों ये काफी मायने रखता है रेफ्रिजरेशन के काम के अंदर, क्योंकि काफी कंजेस्टेड जगह पे भी आपको स्क्रू खोलने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको काम करने में काफी कठिनाई आएगी। ये बहुत काफी छोटे साइज का होता है और इसे बहुत ही कंजेस्टेड जगह में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है ये, इसकी मदद से दोस्तों किसी वायर को छीला जाता है। तो दोस्तों इसका मैं आपको उपयोग करके भी इस वीडियो में दिखा देता हूं। दोस्तों इसकी मदद से आप किसी केबल को छीलते हैं, यानी कि आपको जहां से इसको छीलना है, जितना भी आपको छीलने की जरूरत है, आप सबसे पहले इसे क्रिप करते हैं यहां से और उसके बाद सिंपली आप इसे यहां पे पकड़ के खींच देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी केबल को छीलने में इसका उपयोग करते हैं। अगर आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसका उपयोग आप वैसे भी कर सकते हैं प्लस से। दोस्तों उसके बाद आता है नोज प्लायर। शायद आप इसका उपयोग जानते ही होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको लेना होता है एक कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसे प्लास भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होता है एक कटर। दोस्तों ये है एल की, यानी इसके मदद से आप एल वाले नट को खोल सकते हैं, ये एलन की है। दोस्तों इसके बाद आता है ये स्लाइड रिंच, शायद इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। इससे डिफरेंट साइज के नट को खोला जा सकता है। दोस्तों पीछे मैंने आपको जो कॉमन टूल्स के बारे में दिखाया था, ये अक्सर आप इसके बारे में जानते ही होंगे पहले से। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये है गेज मैनिफोल्ड। गेज मैनिफोल्ड इधर लो प्रेशर का है और इधर हाई प्रेशर का काम इधर से किया जाता है, यानी इस साइड का उपयोग हाई प्रेशर यानी एयर कंडीशनर के काम में आप इसे ले सकते हैं, इस साइड वाले भाग को, और जो इस साइड का है ये अक्सर फ्रिज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ आपको तीन कलर के पाइप्स मिलते हैं। दोस्तों ये होता है गेज मैनिफोल्ड, ये सब एक साथ आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस गेज मैनिफोल्ड जो है इसका उपयोग किया जाता है किसी कंप्रेसर की प्रेशर को मापने में, किसी पाइप्स या कंडेंसर कूलिंग कॉइल वगैरह क्या लीकेज चेक करने में, और रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस डालने में, एयर कंडीशनर के गैस डालने में इसका काफी सारा उपयोग है। ये मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों ये है आपका एक कंप्रेसर, ये फ्रिज का कंप्रेसर है, ये काफी पुराना कंप्रेसर है। आपको एक टूल्स में आपको इस कंप्रेसर की भी जरूरत होती है, कि कभी अगर आपको किसी रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम करना है, यानी उसके अंदर की हवा को बाहर निकालनी है, और साथ में अगर उसकी लीकेज को चेक करने के लिए आपको प्रेशर देने की जरूरत है, तो दोस्तों उसके लिए आप वैक्यूम कंप्रेसर का उपयोग करते हैं।
वैक्यूम कंप्रेसर मार्केट में भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम कर पाते हैं। इसमें इसकी मदद से आप प्रेशर भी डाल के चेक कर सकते हैं और साथ में इससे आप वैक्यूम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मार्केट से कोई पुराना सा कंप्रेसर एक खरीद लें और उस कंप्रेसर में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसमें इधर ये एक वाल्व को यहाँ पे लगा रखा है, चार्जिंग वाल्व को यहाँ पे टाइट कर दिया है और दूसरा एक यहाँ पे। दोस्तों ये काफी अच्छा है, कहीं पे इसको कैरी भी करना काफी आसान है क्योंकि इसमें मैंने एक हैंडल भी वेल्डिंग करवा दिया है। तो दोस्तों आपको एक वैक्यूम कंप्रेसर भी लेना होता है। दोस्तों अभी मेरी ये कंप्रेसर ऑन है, इधर से दोस्तों ये हवा खींचती है। जब आपको वैक्यूम करने की जरूरत होती है तो आप इस साइड में पाइप लगाते हैं और जिधर आपको प्रेशर देने की जरूरत होती है तो इस साइड में आप पाइप लगाते हैं। चलिए हम गेज मैनिफोल्ड की मदद से देखते हैं कि ये मेरा वैक्यूम सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम इसके वैक्यूम को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये अभी जीरो पे है, जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये माइनस में जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये इधर से हवा खींचनी इसकी शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुई नीचे की तरफ जा रही है, यानी ये प्रॉपर वैक्यूम कर रही है। दोस्तों चलिए हम इसे फ्री कर देते हैं। दोस्तों अब मैं इस कंप्रेसर का इस साइड का प्रेशर मैं आपको चेक करके दिखाता हूं इस गेज मैनिफोल्ड से कि अभी कितनी प्रेशर हमें इससे मिल रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी सुई बढ़ती जा रही है लगातार। ये करीबन 300 के आसपास इसकी प्रेशर दोस्तों आएगी। अगर 300 प्रेशर आपके कंप्रेसर का है जिससे आप वैक्यूम के उपयोग में लेना चाहते हैं तो ये सफिशियंट है आपके काम के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है आपका ये मोल्डर, ये पाइप मोल्डर है। इसमें बेसिकली इसमें पाइप डाल के और फिर से पाइप को बेंड किया जाता है। ये हर पाइप के साइज की आपको मिल जाएगी, आपको जिस साइज के पाइप को मोड़ना है आप उस तरह का ये मोल्डर खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका स्विचिंग टूल। और दोस्तों ये है फ्लेरिंग टूल और ये है फ्लेरिंग योक, ये दोनों साथ साथ आपको मिल जाएगा, ये आपको अलग से खरीदना होगा। दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम किसी पाइप का फ्लेयर बनाने में। दोस्तों अब फ्लेयर होता क्या है और हम फ्लेयर कैसे बनाते हैं ये हम आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों यह है स्विचिंग टूल, इसका उपयोग किया जाता है किसी पाइप के होल को बढ़ाने में। ये इसे आप डिफरेंट साइज के पाइप को उसके साइज से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये है चुटकी वाल्व, इसे हर जगह हर तरह से बोला जाता है, इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। दोस्तों बेसिकली इसमें फ्लेयर बना के किसी पाइप में अगर आपको प्रेशर डालना है तो उसके काम में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों आपको एक खरीदना पड़ेगा, ये भी एक वाल्व है, यानी अगर आपको गैस चार्ज करनी है तो इस साइड में आप गैस चार्जिंग वाले पाइप को लगाएंगे, फ्लेयर करके इसके सहारे फ्लेयर बना के आप इस साइड में इसे लगा देंगे। इस साइड आपको जिस साइड गैस चार्ज करनी है उस साइड वाले पाइप को इसमें फ्लेयर बना के लगा देंगे और इस तरफ से आप गैस को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इसे खोलने के लिए एक आती है ये चाबी, इस चाबी की मदद से आप इसे खोलते और बंद करते हैं।
दोस्तों इसके बाद है ये ट्यूब कटर, यानी इस तरह के जो भी पाइप्स फ्रिज में या एयर कंडीशनर में यूज होते हैं उस पाइप को कट करने के लिए इस ट्यूब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप ये तीन ब्रश देख रहे हैं, इसमें दो मेटल का ब्रश है और एक प्लास्टिक का ब्रश है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर को सर्विस करने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपके सामने कुछ सिलेंडर्स दिख रहे होंगे। दोस्तों ये है सिलेंडर, इसमें मैंने 22 नंबर गैस रखा हुआ है। ये अक्सर काम में आता है एयर कंडीशनर के। दोस्तों इसी टाइप के सिलेंडर में आप रेफ्रिजरेटर का भी गैस रख सकते हैं। और दोस्तों अगर रेफ्रिजरेटर के लिए आप इतने बड़े सिलेंडर को कैरी नहीं करना चाहते तो ये छोटे छोटे कैंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं गैस के। 134 नंबर का ये कैन है, ये इस कैन वाले गैस को आप इस बड़े सिलेंडर में भी आप ले सकते हैं। इस कैन को यूज करने के बाद इसे फेंक देना होता है और इसमें आप दोबारा से रिफिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रिज में गैस डालने के लिए अगर ये छोटे वाले कैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं या एयर कंडीशनर में अगर आप कैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये एक गैस में आपको एक छोटा सा एक रेगुलेटर लेना होता है जो आप अपने कैन के ऊपर फिट करते हैं और फिर से कैन खाली हो जाने पे इसी को खोल के आप दूसरे कैन पे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये ब्यूटेन गैस का ये कैन है, इसके उपयोग से आप वेल्डिंग करते हैं किसी पाइप को जोड़ने के लिए। ऑन साइड आपको इसी कैन का उपयोग करना होगा और आप अपने वर्कशॉप पे चाहे कोई और भी दूसरा सॉल्यूशन ले सकते हैं, किसी बड़े वाले सिलेंडर को आप ले सकते हैं। ये ऑन साइड के लिए है। और दोस्तों इसके साथ आपको वेल्डिंग के लिए एक टॉर्च लेना होता है। दोस्तों ये टॉर्च है वेल्डिंग के लिए, आप इस तरह से इसे अपने सिलेंडर के ऊपर फिट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से वेल्डिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है वेल्डिंग के लिए आपको ये विजिंग रड की जरूरत होती है। और दोस्तों वेल्डिंग के उपयोग के लिए आपको ये वेल्डिंग के लिए एक पाउडर खरीदना होता है। ये भी आपको सारा सामान एक ही रेफ्रिजरेशन वाले दुकान में मिल जाएगा, चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों यह है चार्जिंग बल्ब, अक्सर रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करने के लिए इस चार्जिंग बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अभी आपने जितने भी टूल्स को देखा, आने वाले एक्सपेरिमेंट में इन सारे टूल्स का मैं उपयोग करके आपको दिखाऊंगा और किस तरह से आप ऑन साइट सर्विस करेंगे, किस तरह से आपको चेक करना है, क्या करना है, इन सभी बातों पे मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाला हूँ। और दोस्तों इन सारे टूल्स के बाद आपको एक्स्ट्रा में आपको सिर्फ कुछ टी रिंग्स खरीदने की जरूरत होती है। ये 8, 9, 10, 7 इन टी रिंग्स के ये टी रिंग्स हैं। इसके अलावा आप फोल्ड वाली एक सेट अगर आप टी रिंग्स की खरीद लेते हैं तो भी सफिशियंट है। इसका उपयोग अक्सर आपको वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। दोस्तों इस टूल्स के अलावा काफी सारे टूल्स हैं रेफ्रिजरेशन के काम करने के लिए, लेकिन दोस्तों कम से कम आपके पास अगर इतना टूल्स है तो आप रेफ्रिजरेशन से जुड़ी हुई काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सारे टूल्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों मैंने जियो टूल्स का नाम बताया है, अगर आपके शहर में दुकानदार इन नाम से इस टूल्स को नहीं पहचान पाते तो दोस्तों आप वीडियो का स्क्रीनशॉट बना लें और उसके बाद आप उसे दिखाकर विजुअल आप उसे दिखाकर वो सामान को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑन साइट किन किन रिलेज की जरूरत होती है। जब आप साइट पे कहीं पे जाते हैं चेक करने के लिए किसी रेफ्रिजरेटर को तो आपको कौन कौन सा रिले ओवरलोड लेके जाना होता है। डिफरेंट कंपनी के बजाज, बीपीएल, एलजी, इन सारे रिलेज के बारे में बताऊंगा। कुछ थर्मोस्टेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा थर्मोस्टेट ले जाना है ऑन साइट। कुछ कैपेसिटर, टाइमर, उसके बाद आपको बायमेटल। तो दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।